नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत त्योहारों का देश है, यहां कई प्रकार के त्योहार पूरे साल ही आते रहते हैं, लेकिन दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्योहार 5 दिन तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है और इस त्योहार का बच्चों और बड़ों को पूरे साल इंतजार रहता है। कई दिनों पहले से ही इस उत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बाजारों में रौनक दिखने लगती है और हर कोई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इन त्योहार का इंतजार करता है। तो आज हम आपके लिए ये खास पेशकश लेके आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ दिवाली के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। भारत पर्वों का देश है और कार्तिक महीना तो इस देश के लिए सबसे बड़ा त्योहार लेकर आता है। दीपों का यह त्योहार दिवाली के नाम से हम सबके बीच हर्षोल्लास का माहौल तैयार करता है। दीपावली भारतीय संस्कृति के सबसे रंगीन और विविधता भरे पर्वों में से एक है। इस दिन पूरे भारत में दीयों और रोशनी की अलग ही छटा देखने को मिलती है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसका बड़े बूढ़े सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में दीपावली का आखिर क्या है इतिहास। कहते हैं कलयुग में माता लक्ष्मी ही ऐसी देवी हैं जो भौतिक सुखों की प्राप्ति कराती हैं। ऐसे में दीपावली का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। आज पैसा सब रिश्ते नातों से बड़ा है। असल मायनों में अगर देखा जाए तो इंसान हमेशा कुछ पाने के लिए ही पूजा करता है और कलयुग में पैसे की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी उसका ही स्वार्थ है। यूं तो शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन भगवान राम 14 सालों का वनवास पूरा करके अपने नगर अयोध्या लौटे थे, तो उनके आगमन पर नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर अपनी खुशियां जाहिर की थी। पर इस पर्व के साथ जुड़ी अन्य कहानियों ने इस पर्व में मां लक्ष्मी की पूजा भी जरूरी कर दी है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली को असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। दीपावली मर्यादा, सत्य, कर्म और सद्भावना का संदेश देता है। दीपावली शब्द से ही मालूम हो जाता है दीपों का त्योहार। इसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीप और आवली की संधि से बने दीपावली में दीपों की चमक से अमावस्या की काली रात भी जगमगा उठती है। हिंदुओं समेत सभी धर्मों के लोगों द्वारा मनाए जाने की वजह से और आपसी प्यार में मिठास खोलने की वजह से इस पर्व का सामाजिक महत्व भी बढ़ जाता है। इसे दीप उत्सव भी कहा जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार दीपावली के दिन अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। राजा राम के लौटने पर उनके राज्य में हर्ष की लहर दौड़ उठी थी और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब से लेकर आज तक ये दिन भारतीयों के लिए आस्था और रोशनी का त्योहार बना हुआ है।
कृष्ण के भक्तगण मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नरसिंह राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। और इसके साथ इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी और धनवंतरी प्रकट हुए थे। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही होता है। दीपावली का त्योहार 5 दिन का त्योहार होता है। सबसे पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन नए कपड़ों और बर्तनों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। अगले दिन यमराज के निमित्त नरक चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसे हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तीसरे दिन अमावस्या को दीपावली का पर्व होता है, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अमावस्या की अंधेरी रात में दीयों की रोशनी क्षमा को रंगीन बना देती है। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसे भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप दीप से पूजन किया जाता है और अंतिम दिन भैया दूज के साथ ये पर्व खत्म हो जाता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने की वजह और तरीके काफी अलग हैं और सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्योहार चला रहा है। लोगों में दीपावली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। दीप उत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, जिस वजह से ये त्योहार किसी खास समूह का ना होकर संपूर्ण राष्ट्र का हो गया है। आइए जानते हैं इस त्योहार का महत्व क्या है। धर्म के दृष्टि से दीपावली के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व है। अनेक धर्म ग्रंथ दीपावली का ऐतिहासिक महत्व हमें बतलाते हैं। विष्णु ने 3 पग में 3 लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भू लोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। महाप्रतापी और दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब बलि के भयभीत देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु के वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान भी दे दी। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों और अनुयायियों ने 2500 साल पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के दिन पहले चतुर्दशी को ही किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। 500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के दिन से ही शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होते हैं, इसीलिए अनेक प्रांतों में से साल के आरंभ की शुरुआत भी मानते हैं। ये भी कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण ने आताई नरकासुर जैसे दुष्ट का वध किया, तब ब्रजवासियों ने अपनी प्रसन्नता दीपों को जलाकर प्रकट की।
राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मानते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग भी लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमानों दोनों को भाग लेने को कहा जाता था। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जन नायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के पास अवसान किया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन ए इलाही के परवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली काफी धूमधाम से मनाते थे। सम्राट विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक दीपावली के दिन ही हुआ था, इसीलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई जाती हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे थे तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मुगल काल में कई हिंदू और कई मुस्लिम त्योहार खूब उत्साह और बिना किसी भेदभाव के मनाए जाते थे। अनेक हिंदू त्योहार मसलन दीपावली, शिवरात्रि, दशहरा और रामनवमी को मुगलों ने राजकीय मान्यता दी थी। खास तौर से दीपावली पर एक अलग ही रौनक होती थी। 3-4 हफ्ते पहले ही महलों की साफ सफाई और रंग रोगन का दौर चला करता था। चलिए आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि मुगल काल में आखिर कैसे मनती थी दीपावली। सदियों से हमारे देश का किरदार कुछ ऐसा रहा कि जिस शासक ने भी सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से सत्ता चलाई उसे देशवासियों का भरपूर प्यार मिला। देशवासियों के प्यार की ही बदौलत उन्होंने भारत पर सालों राज किया। मुगल काल में औरंगजेब को यदि छोड़ दें तो सारे मुगल शहंशाह सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर यकीन रखते थे। उन्होंने कभी मजहब के साथ सियासत का घालमेल नहीं किया और अपनी हुकूमत में हमेशा उदारवादी तौर तरीके अपनाए। यही वजह है कि उन्होंने भारत पर लंबे समय तक राज किया। मुगलों की हुकूमत के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता अपना धर्म पालन करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा नया माहौल बनाया जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले एक दूसरों की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मुगल काल में कई हिंदू और मुस्लिम त्योहार खूब उत्साह और बिना किसी भेदभाव के मनाए जाते थे। अनेक हिंदू त्योहार मसलन दीपावली, शिवरात्रि, दशहरा और रामनवमी को मुगलों ने राजकीय मान्यता दी थी। मुगल काल में खास तौर से दीपावली पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती थी। दीप पर्व आगमन के 3-4 हफ्ते पहले ही महलों की साफ सफाई और रंग रोगन के दौर चला करते थे। ज्यों त्यों पर्व के दिन नजदीक आने लगते थे त्यों त्यों खुशियां परवान चढ़ने लगती थीं। दियों की रोशनी से समूचा राजमहल जगमगा उठता था जिसे इस मौके के लिए खास तौर पर सजाया सवारा जाता था। मुगल शासक बाबर ने दीपावली के त्योहार को एक खुशी का मौका के तौर पर मान्यता प्रदान की थी। वो खुद दीपावली को जोश और खरोश से मनाया करते थे। इस दिन पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाकर कई पंक्तियों में लाखों दीप प्रज्वलित किए जाते थे।
इस मौके पर शहंशाह बाबर अपनी गरीब रियाया को नए कपड़े और मिठाइयां भेंट करते थे। बाबर ने भी अपने बेटे हुमायूं को भी दीपावली के जश्न में शामिल होने की समझाइश दी। बाबर के उत्तराधिकारी के तौर पर हुमायूं ने न सिर्फ इस परंपरा को बरकरार रखा बल्कि इसमें दिलचस्पी लेकर उसे और आगे बढ़ाया। हुमायूं दीपावली हर्ष उल्लास के साथ मनाया करते थे। इस मौके पर वो महल में महालक्ष्मी के साथ दिगर हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करवाते और अपने गरीब आवाम को सोने के सिक्के उपहार में दिया करते थे। लक्ष्मी पूजा के दौरान एक विशाल मैदान में उसके बाद आतिशबाजी चलाई जाती थी, फिर 101 तोपे चलती और इसके बाद हुमायूं शहर में रोशनी देखने के लिए निकल जाया करते थे। तुलादान की हिंदू परंपरा में भी हुमायूं की दिलचस्पी थी। शहंशाह अकबर के शासनकाल में पूरे देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब और परवान चढ़ी। इस्लाम के साथ साथ वो सभी अन्य धर्मों का सम्मान करते थे। जहांगीर ने अकबर के मुतालिक अपने तुजुक यानी जीवनी में लिखा है कि अकबर ने हिंदुस्तान के रीति रिवाज को आरम्भ से सिर्फ ऐसे ही स्वीकार कर लिया जैसे दूसरे देश का ताजा मेवा या नया मुल्क या नया सिगार या ये कहें कि अपने प्यारों और प्यार करने वालों की हर बात प्यारी लगती है। एक लिहाज में देखें तो अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता ही नहीं सांस्कृतिक समन्वय का भी महान काम किया। इसीलिए इतिहास में उन्हें अकबर महान के रूप में याद किया जाता है। अकबर ने अपनी संतलत में कई समुदायों के कई त्योहारों को शासकीय अवकाश की फहरिस्त में शामिल किया था। हर एक त्योहार में खास तरह के आयोजन होते जिनके लिए शासकीय खजाने के दिल खोलकर अनुदान मिलता। दिवाली मनाने की शुरुआत दशहरे से ही हो जाती थी। दशहरा पर्व पर शाही घोड़ों और हाथियों के साथ व्यू रचना तैयार कर सुसज्जित छतरी के साथ जुलूस निकाला जाता था। राहुल सांस्कृतयान जिन्होंने अकबर की एक जीवनी लिखी है वो इस किताब में लिखते हैं कि अकबर दशहरे उत्सव बड़ी ही शान शौकत से मनाया करते थे। ब्राह्मणों से पूजा करवाते थे, माथे पर टीका लगाता और मोती जवाहर से जड़ी राखी हाथ में बांधता। अपने हाथ पर बाज बिठाता और किलों के बुर्जों पर शराब रखी जाती थी। गोया की सारा दरबार इसी रंग में रंग जाता। अकबर के नौ रत्नों में से एक अबुल फजल ने अपनी मशहूर किताब आईना ए अकबरी में शहंशाह अकबर के दीपावली पर्व मनाए जाने का तफसील से जिक्र किया है। अकबर दीपावली की सांझ अपने पूरे राज्य में मुंडेरों पर दिए प्रज्वलित करवाते थे। महल की सबसे लंबे मीनार पर 20 गज लंबे बांस पर कंदील लटकाए जाते थे और यही नहीं महल में पूजा दरबार आयोजित भी किया जाता था। इस मौके पर संपूर्ण साज सज्जा कर दो गायों की कौड़ियों की माला गले में पहनाई जाती और ब्राह्मण उन्हें शाही बाग में लेकर आते। ब्राह्मण जब शहंशाह को आशीर्वाद प्रदान करते तब शहंशाह खुश होकर उन्हें मूल्यवान उपहार प्रदान करते थे। अबुल फजल ने अपनी किताब में अकबर से उस दीपावली समारोह का भी ब्यौरा लिखा है जब शहंशाह कश्मीर में थे। अबुल फजल लिखते हैं कि दीपावली पर्व जोश खरोश से मनाया गया। हुक्मनामा जारी कर नौकाओं नदी तट और घरों की छतों पर प्रज्वलित किए गए दीपों से सारा माहौल रोशन और भव्य लग रहा था। दीपावली के दौरान शहजादे और दरबारियों को राजमहल में जुआ खेलने की भी इजाजत होती थी। जैसा कि सब जानते हैं कि दीपावली के बाद गोवर्धन की पूजा होती है। मुगल काल में भी गोवर्धन पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ करती थी। ये दिन गौ सेवा के लिए निर्धारित होता था। गायों की अच्छी तरह नहला धुला कर सजा सवार कर उनकी पूजा की जाती थी। शहंशाह अकबर खुद इन समारोह में शामिल होते और अनेक सुसज्जित गायों को उनके सामने लाया जाता था। जहांगीर के शासनकाल में भी दीपावली के कुछ अलग ही रंग थे। वो भी दीपावली मनाने में अकबर से पीछे नहीं थे। किताब के मुताबिक साल 1613 से 1626 तक जहांगीर ने हर साल अजमेर में दीपावली मनाई। वो अजमेर के एक तालाब के चारों किनारों पर दीपक की जगह हजारों मशाले प्रज्वलित किया करते थे। इसके बाद फकीरों को नए कपड़े मिठाइयां बांटी जाती थी। यही नहीं आसमान में 71 तोपे दागी जाती और बड़े बड़े पटाखे चलाए जाते थे।
अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के शासनकाल में भी दिवाली काफी धूमधाम से मनाई जाती थी। जहांगीर दीपावली के दिन को शुभ मानकर चौसर जरूर खेलते थे। इस दिन राजमहल को काफी अच्छी तरह रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता था। जहांगीर रात में अपनी बेगम के साथ आतिशबाजी का मजा भी लेते थे। मुगल बादशाह शहंशाह जितनी शान और शौकत के साथ ईद मनाते थे, ठीक उसी तरह दीपावली भी मनाते थे। दीपावली पर किला रोशनी में नहा जाता था और किले के अंदर स्थित मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। इस मौके पर शहंशाह अपने दरबारियों, सैनिकों और अपनी रियाया में मिठाई बंटवाते थे। शहंशाह के बेटे दारा शिकोह ने भी इस परंपरा को इसी तरह से जिंदा रखा। दारा शिकोह इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते और अपने नौकरों को बख्शीश भी बांटते थे। उनकी शाही सवारी रात के वक्त शहर की रोशनी देखने के लिए निकलती थी। किताब में लिखा है कि दीपावली का पर्व की भव्यता और रौनक काफी देखने ही बनती थी। मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का दिवाली मनाने का अंदाज भी कुछ जुदा नहीं था। उनकी दीपावली 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी। दीपावली के दिन वो तराजू के बड़े पलड़े में बैठते और दूसरा पलड़े सोने चांदी से भर दिया जाता था। तुलादान के बाद ये धन दौलत गरीबों को दान की जाती थी। तुलादान की रस्म अदायगी के बाद किले पर रोशनी की जाती और कहार, खील, बताशे, खांड और मिट्टी के खिलौने घर घर जाकर बांटे जाते थे। गोवर्धन पूजा जब आती तो इस दिन दिल्ली की रियाया अपने गाय बैलों को मेहंदी लगाकर उनके गले में शंख और घुंघरू बांधकर जफर के सामने पेश करते थे। जफर उन्हें इनाम देते और मिठाई खिलाते थे। मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के छोटे से कट्टरपंथी तबके को छोड़कर सभी एक दूसरे के त्योहारों में बगैर हिचकिचाहट भागीदार बन जाते थे। दोनों समुदाय अपने मेलों, भोज और त्योहार एक साथ मनाते थे। दीपावली का पर्व न केवल दरबार में पूरे जोर शोर से मनाया जाता था, बल्कि आम लोग भी काफी उत्साहपूर्वक इस त्योहार का आनंद लेते थे। दीपावली पर ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम अपनी झोपड़ियों और घरों में रोशनी किया करते और जुआ खेलते थे। वहीं मुस्लिम महिलाएं इस दिन अपनी बहनों और बेटियों को लाल चावल से भरे घड़े उपहार स्वरूप भेजती थी। यही नहीं, दीपावली से जुड़ी सभी रस्मों को भी पूरा करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। दीपावली का त्योहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह देता है। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, जो घर और समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। हम इस बुराई से बचना चाहिए, पटाखे सावधानी पूर्वक छोड़ने चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य और व्यवहार से किसी को भी दुख न पहुंचे, तभी दीपावली का त्योहार मनाना सार्थक होगा। और आपको और आपके पूरे परिवार को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।